हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी बीपीएससी। मेरा नाम है मेधा झा और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अन अकेडमी बीपीएससी पे। तो आज की क्लास में आप लोग का एमसीक्यू होगा। क्लास में बने रहें, क्लास को लाइक करें, साथ ही साथ क्लास को शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू का दौर और देखते हैं आज का हमारा पहला एमसीक्यू क्या होगा इस चीज की तरफ। होपफुली मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही होगी। एक मिनट मैं आप लोग का लगा लूं ताकि कमेंट मैं आप लोग का देख पाऊं। हाँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू का दौर और देखते हैं आज का आपका जो आपका एमसीक्यू है उस चीज के तरफ। उससे पहले बिहार मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है 10 दिसंबर को। टेस्ट टाइम की बात की जाए तो 4 बजे वो आप लोग कर सकते हो। गुड इवनिंग रामशंकर जी, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी किस क्षेत्र में आपके जो है सरकारी संस्थान है, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने का कि क्या होता आपके इसका आंसर। ललित जो कला एकेडमी है ये आपका कल्चर इंस्टीट्यूट है, आपके कौन से सेक्टर में, इस चीज का आपको बताना है। बताएं कि क्या होता आपके इसका आंसर। आपके इसका जो आंसर होता है दृश्य कला होता। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आपके कैसे दृश्य कला होता आपके, तो ये विजुअल आर्ट है। ललित कला एकेडमी जो है नेशनल एकेडमी है आपका फाइन आर्ट्स के लिए, जिसकी स्थापना आपके न्यू दिल्ली में हुई थी, आपके 1954 में हुई थी। सरकार हमारे भारत में हुई थी ताकि प्रपोर्ट कर पाए आपके जो इंडियन आर्ट के बारे में है उस चीज के बारे में। आपके इसका जो आंसर होता है विजुअल आर्ट्स होता है आपके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से आपको बताना है हाईएस्ट अवार्ड आपके ऑफिसर्स के लिए जो दिया जाता है आपके मिलिट्री ब्रांचेस के, आपको भारत में वो कौन सा, इस चीज का आपको बताना है। कोशिश कीजिए जवाब देने का, देखते कितने बच्चों का सही होता है जवाब। और सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है सभी बच्चे जवाब दें कि क्या होता आपके। क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा आपके इसका आंसर। इसका आंसर जो होता परमवीर चक्र होता। परमवीर चक्र आपकी दुश्मनों की उपस्थिति में उच्चतम स्तर पे आपकी वीरता के लिए आपके दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को ये शुरू किया गया था आपके। इसका जो आंसर होता परमवीर चक्र होता आपके। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से बताना है कि किनको ऑनर किया गया था नोबेल प्राइज के तौर पे आपके यंगेस्ट एज में, इस चीज को आपको बताना है। क्या वो विलियम लॉरेंस ब्रैंग होगा आपके, जो जेम्स वॉटसन होगा आपके, मैरी क्यूरी या फिर कहा जाए किनेथ एरो। आपको बताना है कि क्या होता आपके। सभी बच्चे जवाब दें कि क्या होता आपके। गुड इवनिंग रागिनी कुमारी जी, वेलकम टू द क्लास। आपके इसका जो आंसर होता है आपके क्या होता है, विलियम्स लॉरेंस बैग होता है आपके। जितने भी ऑप्शन इनमें से दिए हुए हैं आपके ऑप्शन ए जो है आपका सही है आपका। ये आपके कौन थी आपके, इनको यंगेस्ट नोबल जो है इनको प्राइज मिला था 2014 में मिला था। एज की बात की जाए तो इनकी एज आपकी 17 साल की थी आपकी, सॉरी। ब्रैक जो थी आपकी, ये आपके 2018 में यंगेस्ट आपके नोबल प्राइज के तौर पे इनको नवाजा गया था आपकी। तो आपकी इसका आंसर विलियम्स लॉरेंस ब्रैक होता आपके। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जो लोग भी विलियम्स लॉरेंस ब्रैक की तरफ जा रहे थे। किनको अवार्ड दिया गया था आपके नोबल प्राइज के तौर पे आपकी आर्किटेक्चर में, इस चीज का आपको बताना है। क्या रेफर किया जाता है नोबल, क्या वो पिस्कर प्राइज होगा, जवाहरलाल नेहरू प्राइज होगा, एबल प्राइज होगा या फिर रमेश्वर मैगे होगा आपके। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने का कि क्या होता आपके इसका आंसर। आपके इसका जो आंसर होता पिस्कर आर्किटेक्चर होता आपके प्राइज होता है। इंटरनेशनल अवार्ड है जिसकी स्थापना आपके पिस्कर फैमिली के द्वारा हुई थी।
1979 में हुई थी आपकी। ये नोबेल प्राइज जो आपकी वास्तुकला में आपकी किया गया था, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों का सही ऑलमोस्ट आ रहा है आपके, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा इस चीज की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कि दिया जाता है एनुअली आपकी, बताना है कि क्या होगा, क्या वो आपकी डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता, इंडियन नेशनल कांग्रेस होता, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट होता, या फिर मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता। कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का। राजीव खेल जो रत्न पुरस्कार प्रति वर्ष आपके प्रदान किया जाता है, किनको किया जाता है इस चीज का आपको बताना है। कोशिश करें सभी बच्चे जवाब देने का। आपके इसका जो आंसर होता है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता आपके। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर किया जाता आपके रिपब्लिक के तौर पे, आपके गणतंत्र के तौर पे आपके भारत में। ये अवार्ड आपके किनको दिया जाता है, तो जो स्पोर्ट्स वगैरह जो खेल खेलते थे उनको आपके दिया जाता है। कब से दिया जाता है, तो 1991 से आपके दिया जाता है आपके। इसका जो आंसर होता है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट होता। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, जो भी बच्चे आपके जा रहे थे स्पोर्ट्स की तरफ उनका आपके सही है जवाब। आगे की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था आपके कॉमनवेल्थ अवार्ड आपके 1932 में, आपके इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में। आपको बताना है कि क्या होता आपके इसका आंसर, क्या वो हर्बर्ट हेनरी होता है, एंड्रयू वॉर्नर लॉ होगा, डेविड लॉयड जॉर्ज होगा, या फिर जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड होगा। आपको बताना है कि क्या होगा। कौन से आपके अंग्रेजी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कॉमनवेल्थ अवार्ड, इस चीज का आपको बताना है। कोशिश कीजिए जवाब देने का कि क्या होता आपके। तो आपके जेम्स रैमन्स मैकडोनल्ड होगा, बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे डी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। रामशंकर जी और आपके नाजिया शामी जी का भी सही है जवाब, वेरी गुड। तो आपके कॉमनवेल्थ अवार्ड जो था आपके ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड को दिया गया था, कब दिया गया था, तो 16 अगस्त 1932 को दिया गया था। ये विस्तार करता आपके एक अलग आपके सेपरेट इलेक्ट्रोड का। इसी कॉमनवेल्थ अवार्ड को मैकडोनल्ड अवार्ड के भी नाम से हम लोग जानते हैं आपके, जो कि अनाउंस हुआ था कब, तो राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तब आपके। तो आपके इसका जो आंसर होता आपके डी होता, बहुत सारे बच्चों का सही आ रहा है जवाब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। पहली महिला जिनको अवार्ड दिया गया था युद्ध सेवा मेडल, आपको बताना है कि क्या होगा। गुड इवनिंग प्रिया जी, क्या वो भावना कंठ थी, शैलिजा धामी थी, मिंटी अग्रवाल, या फिर अपर्णा कुमार। आपको बताना है कि क्या होगा। पहली महिला जिनको अवार्ड दिया गया था युद्ध सेवा मेडल का, आपको बताना है कि क्या होगा। मिंटी अग्रवाल होता। 2019 में मिंटी अग्रवाल जो थी पहली महिला थी जिनको दिया गया था आपकी युद्ध सेवा मेडल, आपके वॉर टाइम में आपके दिया गया था आपके। इसका जो आंसर होता है मिंटी अग्रवाल होता। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे मिंटी अग्रवाल की तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे आंसर करते चलिएगा, अगर मैं किन्हीं का रिप्लाई ना दे पाऊं तो ये मत समझिएगा कि मैम घमंडी है, मैम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहती है, यही बस रीजन है। प्रसिद्ध जो है आपकी जो पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है सूफी संत आपके अब्राहम सुतार को, ये आपकी बिलोंग करते किससे, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो कर्नाटका होगा, तेलंगाना होगा, केरला होगा, या फिर आंध्र प्रदेश होगा। कोशिश कीजिए जवाब देने का कि क्या होता आपके। जो पद्मश्री अवार्ड है आपकी सूफी संत अब्राहम सुतार, ये आपकी बिलोंग करते हैं किससे, इस चीज का आपको बताना है। बताएं कि क्या होता आपके। कर्नाटका होगा आपकी, इब्राहिम सुतार आपके कौन थे, तो सोशल वर्कर थे आपके कर्नाटका के, और ये चौथे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको पद्मश्री से आपके नवाजा गया था। इनका निक नाम आपके कबीर ऑफ कन्नर भी आप लोग कहते हैं आपके। इसका जो आंसर होता है कर्नाटका होता है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन आपके। तो हाईएस्ट अवार्ड आपके जो मिलिट्री सर्विस में किनको दिया जाता है, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो कृति चक्र होगा, अशोक चक्र होगा, वीर चक्र होगा, या फिर परमवीर चक्र। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने का कि क्या होता आपके इसका आंसर। वेरी गुड, गुड इवनिंग शिवम कुमार जी, वेलकम टू द क्लास। हाईएस्ट अवार्ड आपकी मिलिट्री सर्विस में किनको दिया जाता है, इस चीज का आपको बताना है। परमवीर चक्र।
जो आपके पुरस्कार में आपके कहा जाए तो परमवीर चक्र सबसे ऊपर है, उसके बाद अशोका चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद वीर चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र। बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। कौन से भारतीय ने रिसीव किया था आपके नोबल पीस प्राइज, आपके मदर टेरेसा के बाद उन्होंने रिसीव किया था आपके नोबल प्राइज। अब इनका नाम बताना है कि क्या होगा आपके इनका नाम। क्या वो के राधा कृष्णन थे, फली नरमन थे, आपके पी सतीशन थे, आपके कैलाश सत्यार्थी थे। आपको बताना है कि क्या होगा आपके इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड रामशंकर जी, वेरी गुड। तो कैलाश सत्यार्थी होता आपके, कैलाश सत्यार्थी आपके कौन थे, तो भारतीय थे। साथ ही साथ ये चिल्ड्रन के लिए एक्टिविटिस्ट भी थे। इन्होंने जीता था आपके नोबल पीस प्राइज, आपके फाउंडर थे ये बचपन बचाओ आंदोलन के, आपके जो चाइल्ड लेबर था उनके खिलाफ। आपके इसका जो आंसर होता है कैलाश सत्यार्थी होता। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे कैलाश सत्यार्थी की तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया रामशंकर जी, नाजिया शामी जी, वेरी गुड। शिवम कुमार जी, वेरी गुड। पहली महिला जिन्होंने जीता था नोबेल प्राइज आपके फिजिक्स में 1903 में, ये क्या होगा आपको इस चीज का आपको बताना है। क्या वो अल्वा होगा आपकी, जेन एडम्स होगा, मैरी क्यूरी होगा, या फिर जॉडी विलियम होगा। पहली महिला जिन्होंने जीता था नोबेल प्राइज आपके फिजिक्स में 1903 में, ये कौन होगा इस चीज का आपको बताना है। मैरी क्यूरी होगा। मैरी क्यूरी आपकी पहली महिला थी जिन्होंने जीता था आपकी, किस चीज का आपका जीता था, तो नोबेल प्राइज आपकी जीता था किस चीज में जीता था, तो ये इन्होंने आपका ये इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था आपकी एफर्ट के कारण, जो पहले वर्ल्ड वॉर में इन्होंने लगाया था आपके। इसका जो आंसर होता मैरी क्यूरी होता आपकी इसका आंसर। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन आपके। वेरी गुड तरुण जी, वेरी गुड। किसने रिसीव किया था आपके सत्य एकेडमी अवार्ड, इस चीज का आपको बताना। 1968 के टाइम में क्या वो कैफी आजमी थे, या फिर बुधा देव बसु थे, आपकी हरिवंश राय बच्चन थे, या फिर अमृता प्रीतम थे। आपको बताना है कि किसने रिसीव किया था आपके सत्य एकेडमी अवार्ड आपके 1968 में, इस चीज का आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन थे आपकी 1968 में, आपके हरिवंश राय बच्चन ने आपके रिसीव किया था आपके सत्य एकेडमी अवार्ड आपके। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे आपके आपके हरिवंश राय बच्चन की तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब आपके, वेरी गुड। सी होता आपके इसका आंसर। अब आगे की तरफ चलते, पहले आर्मी ऑफिसर आपके जो इंडिपेंडेंट आपके स्वतंत्र भारत के जिन्होंने रैंक आपके दिया था, फील्ड मार्शल से सम्मानित किया गया था आपको, ये बताना है कि क्या होगा। क्या वो ओम प्रकाश महतो होगा, गोपाल गुरुनाथ बेहूर होगा आपकी, तापेश्वर नारायण रेन होगा आपके, या फिर सैम आपके होगा। आपको बताना है कि क्या होगा आपके इसका आंसर। आपके इसका जो आंसर होता है सैम होता आपकी। ये आपके कौन थे, तो चीफ थे आपके आर्मी स्टार के, आपके इंडियन आर्मी के आपके, जब इंडो पाकिस्तान की युद्ध जब हो रही थी आपका, ये प्रमोट किया था आपका रैंक आपकी फील्ड मार्शल के लिए आपके। इसका जो आंसर होता आपके डी होता। बहुत ही बढ़िया आपकी आरव जी, बहुत ही बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा इस चीज की तरफ। इंदिरा गांधी अवार्ड जो कि नेशनल इंटीग्रेशन है आपके, इसको बताना है कि क्या होगा। क्या वो इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होगा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कि क्या होगा आपकी, कोशिश कीजिए करने का कि क्या होता आपके। इसका जो आंसर होता इंडियन नेशनल कांग्रेस होता। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार इंदिरा गांधी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपके दी जाती है। इस पुरस्कार को सबसे पहले अगर कहा जाए तो 1985 में आपके दी गई थी। उसके बाद ये राष्ट्रीय एकता में आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आपके दिया जाने लगा। आपके इसका जो आंसर होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरीके से आप लोग आंसर किया कीजिए, एटलीस्ट आप लोग को भी समझ में आएगा कि भाई स्टैटिक जीके का क्या सब क्वेश्चन आ सकता है। वेरी गुड।
अब आगे की तरफ चलते हैं। पहले इंडियन जिनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज में, आपके फिजिक्स में आपको बताना है कि क्या होगा आपके, या वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर होगा ये बताए, या फिर रामकृष्णा होगा, या फिर हरि गोविंद होगा आपके, या फिर चंद्रशेखर होगा आपके, बताना है कि क्या होगी पहली आपके भारतीय जिनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज के तौर पे। आपके फिजिक्स का आपके अवार्ड मिला गया था, सम्मानित किया गया था आपके, चंद्रशेखर होता आपके, इसका भी आंसर आपके डी होता आपके, चंद्रशेखर वेंकटरमन जो थे आपके, ये पहली इंडियन थे जिनको आपके अवार्ड दिया गया था। किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया था आपके, तो नोबेल प्राइज इनको फिजिक्स में आपके दिया गया था आपके, इन्होंने डिस्कवर किया था आपके रमन इफेक्ट को, आपके जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, विभाजन आपके जो रोशनी का, उस चीज के लिए इनको दिया गया था आपके। इसका जो आंसर होता चंद्रशेखर वेंकटन रमन होता आपके। वेरी गुड तरुण जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। बिगेस्ट अवार्ड जो कि दिया जाता है आपके इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में, ये क्या है, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो ब्लैक क्रॉस होगा, रेड क्रॉस होगा, ब्लू क्रॉस होगा, या फिर व्हाइट क्रॉस होगा, आपको बताना है कि क्या होगा आपके आपके इसका जो आंसर होता ब्लू क्रॉस होता। ब्लू क्रॉस अगर कहा जाए तो अंतरराष्ट्रीय शूटिंग में मूल संस्थान आपके जो आपका पेरेंट बॉडी है इंटरनेशनल शूटिंग का, उनके द्वारा की जाती है। ये आपके पहले इंडियन थे जिनको अवार्ड दिया गया था ब्लू क्रॉस का आपके, इसका जो होता आपके ब्लू क्रॉस होता आपके आंसर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड नाजिया शामी जी, बहुत ही बढ़िया नाजिया शामी जी का एक जवाब आ रहा है फिलहाल। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। जो किताब है आपका दिल्ली जो है नहीं है दूर आपका, ये लिखा गया है कौन से लेखक के द्वारा, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो खुशवंत सिंह होगा, अनीता देसाई होगा, अरुंधति रॉय होगा, या फिर रस्किन बॉन्ड होगा आपके आपके रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। दिल्ली इज नॉट फार, अगर कहा जाए तो दिल्ली दूर नहीं है आपका, ये किताब अगर कहा जाए तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी आपके, जो कि आपके एक स्मॉल पिक्चर था आपके, एक छोटे से शहर भारत में जो कि सिम्टम आपके दिखा रहा था आपके, इसका जो होता रस्किन बॉन्ड होता। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, जो भी बच्चे डी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग का एक छोटा सा लाइक और शेयर हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। आपके पुस्तक जो आपका ब्रीफ हिस्ट्री है आपका, ये लिखा गया है किनके द्वारा, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो जॉन ग्रीन होगा आपके, जेके रॉलिंग होगा, सुजैन कॉलिंग, या फिर स्टेफन हॉकिंग, आपको बताना है कि क्या होगा। एक ब्रीफ इतिहास आपके टाइम का जो कि लिखी गई है आपके, किनके द्वारा, इस चीज का आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया, जो जो लोग भी आपके स्टेफन हॉकिंग की तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। प्रिया जी, रामशंकर जी, बहुत ही बढ़िया। समय में अगर कहा जाए एक ब्रीफ हिस्ट्री आपके टाइम के बारे में, ये पॉपुलर साइंस किताब है आपकी, कॉस्मोलॉजी आपकी, ये आपकी वहां पे है आपकी। अगर कहा जाए ये पब्लिश कब हुई थी किताब जिसके बारे में आपकी चर्चा हो रही है, तो 1988 में ये चर्चा हो रही किताब की पहली बार पब्लिश हुई थी आपकी। हॉकिंग ने आपकी किताब में लिखा था, आपके नॉलेज दिया था आपके जो साइंस का आपका थ्योरी है उस चीज के बारे में आपके, इसका जो आंसर होता आपके स्टेफन हॉकिंग होता आपके इसका आंसर। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। आपके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बताना है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपकी ऑटोबायोग्राफी है आपकी, किस चीज की है, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो कोफी अनन है, जॉन एफ कैंडे है आपके, नेल्सन मंडेला है, या फिर अब्राहम लिंकन है, आपको बताना है कि क्या होगा आपके। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने का कि क्या होता आपके इसका आंसर। आपके नेल्सन मंडेला होता आपके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी उपन्यास है आपके, साउथ अफ्रीका के आपके प्रेसिडेंट है जिनका नाम है आपके नेल्सन मंडेला, उनके ऊपर है। पहली बार आपकी पब्लिश हुई थी 1994 में, ये किताब आपकी उनकी शुरुआती जीवन के बारे में है, एजुकेशन के बारे में आपके, और साथ ही साथ जो 27 साल आपके जो जेल में थे, जेल के बारे में है आपके। नेल्सन मंडेला होता आपके इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया,
अब राइटर ऑफ द नोबल आपके व्हाइट टाइगर आपके लिखा गया है किनके द्वारा, इस चीज का आपको बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने का कि क्या होता, क्या वो आरके नारायण होता, अरविंद हेंगे होगा आपकी, विक्रम सेठ होता या फिर शशि थरूर होता, आपको बताना है कि क्या होगा। बहुत ही बढ़िया शिवम आनंद जी आपके, हिरन आनंद जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके क्या होता। तो व्हाइट टाइगर कहा जाए तो डेविड नोबल है आपके, इंडियन के आपके ऑथर है आपके अरविंद एंगे, उनके द्वारा है ये। पहली बार जो है पब्लिश की गई थी 2008 में आपके, इन्होंने जीता था आपके 14th मैन बुक आपके प्राइज आपके जीता था आपके। इसका जो आंसर होता आपके अरविंद होता आपके, बहुत ही बढ़िया। जो भी बच्चे बी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, इसमें तो 100% के साथ सभी बच्चे करेंगे मुझे जहां तक की लगता है। जो किताब है आपके एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बेस्ड है किनके ऊपर, क्या वो आपके महात्मा गांधी होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी होगा। जो स्टोरी है आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आपके ऑटोबायोग्राफी आपके मोहनदास करमचंद गांधी का, जो कि आपके शुरुआती जीवन के बारे में है इनके आपके 1921 में आपके। इसका जो आंसर होता आपके मोहनदास करमचंद गांधी होता आपके, बहुत ही बढ़िया। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का अगला। अब ऑथर फिर से आ गया आपके लेखक के बारे में, ड्रीम्स फॉर माई फादर, आपको बताना है कि ड्रीम्स फॉर माई फादर आपकी किनके द्वारा लिखी गई थी, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो ओलिवा के द्वारा, बराक ओबामा, नवीन चावला या फिर चार्ल्स डार्विन, आपको बताना है कि क्या होगा आपके। बहुत ही बढ़िया बात है, बताएं कि क्या होता आपके। इसका जो आंसर होता बराक ओबामा होता, ड्रीम्स फॉर माय फादर आपके, ये आपके बराक ओबामा द्वारा की गई है आपका। ये आपके जो है ड्रीम्स ऑफ माई फादर आपके स्टोरी ऑफ रेस जो है आपका, ये उनके द्वारा ही है आपका, जो एक्सप्लोर किए हैं अपने शुरुआती जीवन उनके बारे में है आपके। इसका जो आंसर होता बी होता, बहुत ही बढ़िया नाजिया शामी जी, वेरी गुड। अब ये चीज फिर से आ गया, ये तो खैर रिपीटेड ही क्वेश्चन है, किसने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो अभी दो एक क्वेश्चन पहले ही आया था तो मैं आगे लगा दूं कि ये आपके मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा आपकी लिखी गई थी आपके। अब ये बताना है ऑथर आपके बेन हूड, जो कि टेल है आपके चिस्ट के, आपको बताना है कि क्या होगा आपके, कौन सा क्वेश्चन बैक करना है रामशंकर जी। ऑथर आपके बेन हूर, जो कि टेल है आपके क्रिस्ट का, आपको बताना है कि क्या होगा, क्या वो ल्यूस कॉरल होगा, जूलियस वेन होगा आपके, बेन जॉनसन होगा आपके या फिर लू वॉलिस, आपको बताना है कि क्या होगा आपकी। कोशिश कीजिए करने का, लेखक का नाम आपको बताना है कि क्या होगा, लू वॉलिस होगा आपके। ये आपके जो थे ऑथर थे, लेखक थे आपके टेल ऑफ क्रिस्ट के आपके, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जो भी बच्चे एक ही तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला। जो एक किताब है जल द लाइफ डिवाइन, ये लिखी गई है किनके द्वारा, इस चीज का आपको बताना है। क्या वो स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, सर अरविंदो है या फिर अमृता प्रीतम, आपको बताना है कि क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जवाब देने का कि क्या होता आपके इसका आंसर। जो किताब है आपके द लाइफ डिवाइन, ये लिखी गई है आपके किनके द्वारा, सर अरविंदो के द्वारा लिखी गई है आपके। द लाइफ डिवाइन अगर कहा जाए तो इन्हीं के द्वारा आपकी लिखी गई है। ये आपके डिस्क्राइब करता है कंसेप्ट आपके, किस चीज के बारे में आपके बताता है, मनुष्य पृथ्वी पे दिव्य जीवन कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में आपके वर्णन दिया गया है आपके। इसका जो आंसर होता सी होता, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नाजिया शामी जी, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आपके, वेरी गुड शिवम कुमार जी। ऑथर आपकी किताब के वी आर डिस्प्लेस्ड, आपको बताना है कि क्या होगा, क्या वो अमृत सिंह होगा, अमृता प्रीतम होगा, अर्णब गोस्वामी होगा या फिर मलाय होगा आपके, आपको बताना है, मलाल यूसुफ होगा आपके। तो मलाल यूसुफ होगा आपकी, वी आर डिस्प्लेस्ड एक किताब है जो कि लिखी गई है आपके मलाल यूसुफ के द्वारा। ये पाकिस्तान की रहने वाली है, फीमेल है, महिला है आपकी, और साथ ही साथ ये आपकी सबसे यंग एज में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था आपके।
एज की बात की जाए तो 17 साल थी जब इन्होंने जीता था, आपके नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। किताब जो है आपके एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, आपको बताना है कि क्या होगा आपके, क्या वो बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा, चार्ल्स डार्विन होगा, रविन्द्रनाथ टाइगर होगा या फिर एडम स्मिथ होगा। आपको बताना है कि क्या होगा आपके, एडम स्मिथ होता आपके। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे डी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। एडम स्मिथ जो ने इंक्वायरी किया था नेचर के ऊपर, वेल्थ ऑफ नेचर के ऊपर, जो कि पब्लिश किया गया था 3 वॉल्यूम में आपका, इसका जो आंसर होता आपके एडम स्मिथ होता आपके इसका आंसर। अब आगे की तरफ अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अनअकैडमी के कारण काफी बच्चों ने क्वालिफाई किया, जैसे कि आपको पता है 17 BPSC प्री प्लस हो या फिर टीचर्स वैकेंसी हो या फिर जीएस पेपर टू मेंस बैच कोर्स, आप कोई सा भी कोर्स ले लोगे आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये चीज बोलूंगी कि मैं अनअकैडमी आपके ऐप पे भी पढ़ाती हूँ, आपके यूट्यूब के अलावा वहां पे भी आके मुझे आप देख सकते हो, प्ले स्टोर से अनअकैडमी को डाउनलोड करें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से राइटर आपके नोवेल के द रूफ, रूम ऑन द रूफ, आपको बताना है कि क्या होगा आपके, क्या वो रस्किन बॉन्ड होगा, खुशवंत सिंह होगा, मनोहर होगा या फिर आर के नारायण होगा। आपको बताना है कि क्या होगा आपके, कोशिश कीजिए जवाब देने का कि क्या होता आपके। राइटर जो आपके नोवेल के है रूम ऑन द फ्लोर का, आपको बताना है कि क्या होता आपके आपके इसका जो आंसर होता है रस्किन बॉन्ड होता आपके, जो रूफ ऑन द रूफ, जो आपके रूम ऑन द रूफ जो है आपके छत पे रूम, ये नोवल है आपकी एक उपन्यास है जो कि रस्किन बॉन्ड के ही द्वारा आपके लिखी गई है। आपका इन्होंने लिखा था उपन्यास आपके, और साथ ही साथ आपके जीता भी था आपके प्राइज आपके 1957 में। आपके इसका जो आंसर होता है रस्किन बॉन्ड होता है। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे रस्किन बॉन्ड की तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अब आगे ऑथर आपके साइलेंट क्राई का आपको बताना है कि क्या होगा आपके, क्या वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ये आज का आपके आखिरी क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में जो कि होगी 10:30 रात में। अब ये चीज आता है कि क्या मैम सेम क्वेश्चन रहेगा दोनों क्लास में, नहीं, आप क्लास में आकर देखना फिर आपको पता चलेगा कि दोनों के अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं। 10:30 बजे रात में फिर से हम लोग मिलते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन आज का कर लीजिए। ऑथर आपके साइलेंट क्राई के आपको बताना है कि क्या होगा आपके इसका आंसर, इसका आंसर आपके किज़ारू होगा। आपके साइलेंट क्राई जो है एक उपन्यास है जो कि जापानीज के ऑथर के द्वारा है, जो कि पहली बार आपके जापान में पब्लिश हुई थी 1967 में हुई थी। आपके अवार्ड जो है आपके ताइजिकी प्राइज आपके जीता था इन्होंने। आपके इसका जो आंसर होता आपके वो बी होता आपके। बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे बी के तरफ जा रहे थे उनका आपके सही है जवाब। अब मिलते हैं अगली क्लास में जो कि होगी 10:30 PM को रात में होगी, होपफुली अगर आप लोग आए। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद इट मीन्स रात। बाय बाय।